अच्छा पॉइंट नंबर 8 है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सफरिंग्स ऑफ करैक्टर विल ओनली गिव द रिजल्ट ऑफ कैथारसिस। अगर आप सिर्फ करैक्टर की ही सफरिंग्स को दिखाओगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास ऑडियंस के लिए क्या बचेगा, कैथारसिस। बट रियल पर्पज ऑफ ट्रेजेडी इज दैट, लेकिन रियल पर्पज ट्रेजेडी का क्या होना चाहिए, दैट वन शुड एग्जामाइन वेयर द क्लुइन लाइज, के ट्रेडिशंस का क्लुइन कहाँ पे मौजूद है इसको देखना चाहिए, एंड देन एग्जामाइनर विल फाइंड आउट द क्योर ऑफ दैट कॉज। और फिर एग्जामाइनर को यानी ऑडियंस को क्या फाइंड आउट करना चाहिए, क्योर तलाश करना चाहिए उस कॉज का या उस क्लुइन का जो कि उसकी वजह से, जिसकी वजह से ट्रेजेडी हुई है। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, अब यहाँ तक उसने ट्रेजेडी की बात कर दी है कि वो ट्रेजेडी के बारे में क्या सोचता है। विलियम एम्फसाइजेस दैट सर्टेन क्रिटिक्स एंड राइटर्स मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेजेडी, बात करता है विलियम इस बात पर जोर देता है कि बहुत से क्रिटिक्स और राइटर्स ने मेंटेन करके रखी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी को ख़त्म नहीं किया, उसे बरकरार रखा है, उसको कॉन्टिन्यू रखा है, लेकिन किस दायरे में, अंडर द लिमिटेड सर्कल ऑफ ट्रेडिशंस। लेकिन उसने, उन्होंने ट्रेजेडी के लिमिटेड कॉन्सेप्ट को लेकर ही वो अभी तक चलते आए हैं कि जी ये ही के जो ग्रीक को जो वाले जो हमें कॉन्सेप्ट दे गए हैं वही ट्रेजेडी है, ठीक है, लिमिटेड सर्कल ऑफ ट्रेडिशंस के साथ वो चल रहे हैं, और वो मॉडर्न ट्रेजेडी को ट्रेजेडी नहीं मानते बल्कि सोशल प्ले से कहते हैं, ठीक है। दे आर अनअवेयर, वो अनअवेयर है यानी क्रिटिक्स जो ये कहते हैं कि जी पुरानी ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी थी, वो अनअवेयर हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, वो तो यही नहीं जानते कि ट्रेडिशन होती क्या है, एंड ट्रेडिशंस ऑफ ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी की अपनी ट्रेडिशंस क्या होती हैं। इन दिस वाई दे मेड अ कंट्रास्ट, इस बिना पर वो कंट्रास्ट पैदा कर देते हैं, डिफरेंस पैदा कर देते हैं बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मॉडर्न के दरमियान में एक कंट्रास्ट रख देते हैं इसकी वजह से, एंड यूनिफाई द वेरियस थिंकिंग ऑफ पास्ट इंटू सिंगल ट्रेडिशन, और वो सिर्फ एक ख़ास जो पुरानी सोच थी पास्ट की उसी को सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिशन का हिस्सा बना देते हैं, और उसी को लेके वो ट्रेजेडी को डिफाइन करते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ने लगे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रेडिशन क्या है और ट्रेजेडी क्या है, ठीक है, और उसने ये भी बता दिया कि दूसरे क्रिटिक्स ट्रेजेडी को क्या मानते हैं और मैं क्या मानता हूँ। अब वो बात करने लगा 10th पॉइंट में कि ट्रेजेडी के ट्रेडिशंस क्या हैं इसके अकॉर्डिंग, विलियम के अकॉर्डिंग। टू एग्जामाइन द ट्रेजिक ट्रेडिशंस, अगर आपने एग्जामाइन करना है ट्रेजेडी के ट्रेडिशंस को, इट इज़ टू सी दीज वर्ड्स एंड आइडियाज इन देयर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, तो फिर जो कुछ भी वर्ड्स एंड आइडियाज का मतलब यही है कि जो कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस ड्रामा के अंदर, उसको आप सबसे पहली तो बात यह है कि उसको आप इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में देखो, यानी कि मौजूदा हालात में उसको देखो, प्रेजेंट सिचुएशन में उसका जायज़ा लो कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन के साथ इस ट्रेजिक ड्रामा की सिचुएशन मैच करती है, यानी कि प्रेजेंट सोशल सिचुएशन के साथ, एज वेल एज ये अब ट्रेजेडी की ट्रेडिशन बता रहा है कि ट्रेजेडी की पहली रिवायत तो ये है कि आप उसको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में देखो, उसको जो मौजूदा सोसाइटी है उसके साथ उसका मुवाजना करो, एज वेल एज इन देयर हिस्टोरिकल कॉन्टीन्यूटी, फिर उसको आप हिस्टोरिकल कॉन्टीन्यूटी के साथ भी उसको जज करो कि हिस्ट्री से इसके अंदर क्या चीज़ रखी गई है जो हिस्ट्री में थी, एंड टू एग्जामाइन देयर प्लेस एंड फंक्शन इन रिलेशन, और उसको उस ड्रामे की प्लेस को, यानी कि उसकी उस दौर में उसकी वैल्यू को और उसके फंक्शन को भी चेक करो इन रिलेशन टू द अदर वर्क्स एंड आइडियाज, यानी कि जो दूसरे क्रिटिक्स ने या दूसरे ड्रामाटिस्ट ने जो आइडियाज पेश किए हैं या जो थेरीज पेश की हैं उसके साथ भी उस ट्रेजिक ड्रामा को मैच करो, उसका उसके साथ भी मुवाजना करो, एंड टू द वैरायटी ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, और एट लास्ट वो कहता है कि इस चीज़ के साथ भी ट्रेजिक ड्रामे का जायज़ा लो कि मेजॉरिटी जो है इस ड्रामे के बारे में क्या कहती है, ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो इस ड्रामे के बारे में क्या कॉन्सेप्ट रखती है, एक्चुअल एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंस का मतलब है एक्सपीरियंस मेड बाय मेजॉरिटी,
कि मेजोरिटी ने जो है उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये उसने बता दिया कि ट्रेजेडी की ट्रेडिशन बता दी है, कि ट्रेजेडी अपने अंदर ये रिवायत रखती है कि उसका मवाजना इन इन चीज़ों के साथ किया जाए, सोसाइटी के साथ, ठीक है, लोगों की सोच के साथ, फिर दूसरे लोगों ने जो काम किया है क्रिटिक्स ने या राइटर्स ने उनके साथ भी उसको उसका उसका मुआवजा किया जाए, ठीक है। अच्छा, वैकेंस हो गया, आगे आ रहा बताना जरा सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी के साथ और उसकी हिस्ट्री के साथ, फिर आइडियाज ऑफ अदर राइटर्स या अदर स्कॉलर्स के साथ, और एक्सपीरियंस ऑफ ऑडियंस के साथ। अच्छा, मैंने आई थिंक 11 की जगह पे आगे नेक्स्ट 12 पॉइंट लिख दिया है ना, ये 10th है ना, चलिए आगे मेरे आगे 12 भी है। फर्दर अब ये उसने बता दिया कि ट्रेजेडी की ट्रेडिशन क्या है। फर्दर रायमंड डिस्कसेस द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशन ऑन ट्रेजेडी। अब वो इस बात पे आया है, ठीक है, ग्रेजुअली कि अब वो बताएगा कि ट्रेडिशन कैसे कैसे इफेक्ट होती रही है ट्रेजेडी के ऊपर फ्रॉम ग्रीक पीरियड टू मॉडर्न एरा, ठीक है, सब की वो बात करेगा। ही गिव्स हिज व्यूज, वो अपने व्यूज देता है अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी। अब उसने उसको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडीज कह दिया है जो कि वक्त के साथ साथ बदलती रही हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री से वो बात शुरू करता है। ही सेज दैट ट्रेजेडी हैज़ कम टू अस फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रेडिशन, क्योंकि ट्रेजेडी अब हमारे तक पहुँची है बहुत एक लंबी ट्रेडिशंस के जरिए से। अब सबसे पहले हम बात करने लगे हैं क्लासिकल और ग्रीक पीरियड की। अब आपने ये चेक करते जाना है कि कहाँ कहाँ क्लुइन की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रायमंड ग्रीक प्लेस वॉज द प्रोडक्ट ऑफ मेच्योर ग्रीक कल्चर। पहली बात तो उसने, क्योंकि उसने मुवाजना करना है कि ट्रेजेडी पे इफेक्ट कैसे हो रहे थे सोसाइटी के या ट्रेडिशंस के, तो उसने पहली बारी बात ये कर दी है कि भाई ये बात समझ लो कि जो ग्रीक प्लेस जो दिखाए जाते थे ना उसमें मेच्योर ग्रीक कल्चर दिखाया जाता था, ठीक है, यानी कि सोसाइटी से उठा के चीज़ दिखाई जाती थी, कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता था। किंग्स वर रूलिंग इन ग्रीक सोसाइटीज़, किंग्स वहाँ पे रूल करते थे। जब किंग्स रूल करते थे उस सोसाइटी में तो उन्होंने किंग्स की ही ट्रेजेडी दिखानी थी ना। सो इट वॉज द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, तो हम कह सकते हैं कि ये इफेक्ट ट्रेडिशंस का इफेक्ट था ऑन ट्रेजेडी के ऊपर, दैट द ग्रीक प्लेस वर शोइंग, कि ग्रीक प्लेस दिखा रहे थे द सफरिंग और डाउनफॉल ऑफ किंग्स ओनली, कि वो सिर्फ किंग्स की ही सफरिंग्स दिखाते थे। इट वॉज द विद इन ट्रेजेडी, हम कह सकते हैं कि वो विद इन ट्रेजेडी है, बिकॉज द ओनली आउटपुट ऑफ ट्रेजेडी वॉज कैथारसिस, क्योंकि ओनली आउटपुट जो था ट्रेजेडी का वो कैथारसिस था। एज इन ओडिपस रेक्स देर इज़ अ क्लुइन ऑफ मेच्योर ग्रीक कल्चर, जैसे कि ओडिपस रेक्स में हम देखते हैं कि क्लुइन हो गया है मेच्योर ग्रीक कल्चर का, यानी कि स्ट्रिक्ट बिलीव ऑन गॉड्स का। हम मेच्योर ग्रीक कल्चर यही था ना, कि स्ट्रिक्ट बिलीव था गॉड्स के ऊपर। एंड मॉडर्न कल्चर, और मॉडर्न कल्चर कौन सा, ओडिपल कॉम्प्लेक्स का, जिसको हम आज मॉडर्न एरा में ट्रेडिशन का हिस्सा मानते हैं, तो इन दो ट्रेडिशंस का क्लुइन हो गया है। रायमंड एम्फसाइजेस दैट वी शुड फाइंड द कॉज ऑफ ट्रेजेडी, हमें कॉज ऑफ ट्रेजेडी को तलाश करना चाहिए जो कि क्या है, क्लुइन है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द क्योर ऑफ दैट क्लुइन, और फिर हमें उसका क्योर तलाश करना चाहिए। मिक्सचर है, नहीं, टकराव। द ग्रीक ट्रेजेडी वॉज द कोरल ट्रेजेडी। अब ये वैसे एक इंफॉर्मेटिव बात है कि अगर कभी क्वेश्चन में कहीं आ जाए जी कोरल ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो आपने ये माइंड में रखना है कि ग्रीक ट्रेजेडी को कोरल ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोरल्स दिखाया जाता था, ठीक है। वेन द यूनिक ग्रीक कल्चर चेंज्ड, अब देखो चेंजिंग आना शुरू हो गई थी, ठीक है, उसी के साथ फिर ट्रेजेडी भी तब्दील हो गई ना, तो वो कहता है कि जैसे ही यूनिक ग्रीक कल्चर तब्दील हुआ, द कोरस विच वॉज द क्रूशियल एलिमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था ऑफ ट्रेजिक ड्रामा में,
was also discarded with it. वो भी ख़त्म हो गया था. ठीक है, जैसे ही traditions ने change होना शुरू किया तो tragedy के जो tragic action था उसमें भी तब्दीली आना शुरू हो गई. The unique meaning of tragedy was also lost. और जो एक ख़ास meaning था tragedy का वो भी ख़त्म हो गया with the arrival of medieval period. medieval period के arrival से. इसीलिए वो ये बात कर रहा है कि सिर्फ उसी को tragedy ले मान के ना बैठ जाओ. ठीक है, तो इट्स मीन यहाँ आपने देखा कि क्लासिकल दौर के अंदर ट्रेजेडी क्या थी, अब सोसाइटी की वजह से ही ट्रेजेडी चल रही थी और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से ट्रेजेडी चल रही थी. वहाँ अगर किंग्स जो थे वो हुक्मरानी कर रहे थे तो उन्हीं का डाउनफॉल दिखाया जाता था. ठीक है ना, जो उस दौर की ज़रूरत थी. और फिर जैसे जैसे ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं तो जो पुरानी ट्रेजेडी है वो ख़त्म हो गई है, नीचे गिर रही है. अब हम मेडिवल पीरियड को देख लेते हैं. लाइक ग्रीक ड्रामास की तरह मेडिवल कॉन्सेप्ट आल्सो गेव इम्पोर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ फॉर्च्यून. मेडिवल दौर के अंदर भी ग्रीक ड्रामास की तरह इम्पोर्टेंस ज़रूर दी गई है एलिमेंट ऑफ फॉर्च्यून को, लेकिन उसकी सेंस तब्दील हो गई है. यानी कि किस्मत को फोकियत दी गई है. बट द डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस ये था वॉज दैट द ट्रेजेडी वॉज अंडरस्टूड एज नरेटिव. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें फोकस वही रखा गया था कि दिखाओ, मतलब फॉर्च्यून दिखाओ, लेकिन उसको नरेटिव बना दिया गया था रादर देन ट्रेजिक एक्शन इन ड्रामा. ट्रेजिक एक्शन नहीं फिर दिखाया गया, ये तब्दीली आई थी. ऑन द अदर साइड, इन अदर साइड, अब हम क्योंकि सोसाइटी को साथ लेके चल रहे हैं तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि इन मेडिवियल पीरियड में सोसाइटी कैसी थी. आपने बस ये जज करते रहना है कि जिस भी पीरियड की बात होने लगे वहाँ सोसाइटी कैसी थी, इसको माइंड में रख लो. और फिर उस सोसाइटी जैसी होगी वैसी ही ट्रेजेडी होगी. ठीक है, तो मेडिवियल पीरियड के अंदर इट वाज अ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी. फ्यूडलिस्टिक यानी फ्यूडल्स थे, आगे थे यहाँ पे. फ्यूडल्स का तो पता ही है, जागीरदार को कहते हैं. ठीक है, फ्यूडल्स और एरिस्टोक्रेट में फ़र्क है. फ्यूडल्स और एरिस्टोक्रेट में ये फ़र्क है कि फ्यूडल्स जो हैं वो जागीरदार होते हैं, यानी कि उनकी पर्सनल वो ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते या गवर्नमेंट के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता. अपनी ही अथॉरिटी होती है. हाँ, अपनी ही उनकी अथॉरिटी होती है. अथॉरिटी के लिए लोग. हाँ, लेकिन एरिस्टोक्रेट वो होता है जिसने गवर्नमेंट के साथ अटैचमेंट रख के पैसा कमाया हो. ठीक है, हाँ ये है कि उसकी पर्सनल भी ज़मीनें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती. मतलब वो गवर्नमेंट के साथ अटैच रख के अटैच होके पैसा कमाता है एरिस्टोक्रेट जो होता है. तो उस वो यू इन अदर वर्ड्स आप कह लो कि एरिस्टोक्रेट नौकरी करता है एक तरह से गवर्नमेंट की, लेकिन फ्यूडल्स का गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी मेडिवल लोअर के अंदर. सो मेडिवल ट्रेजेडी इम्बाइब्ड ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडल यूरोप. अच्छा, यूरोप एंड मेड नेसेसरी चेंजेस इन बोथ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी. अच्छा, इसमें वो ये कह रहा थी, शायद मैं कोई वर्ड मिस कर गई हूँ. अच्छा, मेडिवियल ट्रेजेडी जो है वो कहते हैं क्योंकि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी तो इस वजह से जो मेडिवियल ट्रेजेडी थी वो भरी हुई थी किसके साथ, के करेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाती थी फ्यूडल्स की, यानी फ्यूडल के बारे में बात होती थी उस उन ट्रेजेडीज के अंदर, या फ्यूडल्स का इन अदर वर्ड्स आप कह लो उनका डाउनफॉल दिखाया जाता था. लेकिन तब्दीली क्या आई कि ट्रेजिक एक्शन से नरेटिव माहौल बन गया. ठीक है, एंड मेड नेसेसरी, और ये नेसेसरी चेंजेस आ गई इन बोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर और फॉर्म, ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर और फॉर्म में तब्दीली आ गई. देर वॉज अ लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्शन, एक्शन करने का जो स्कोप था, यानी कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का जो एक रिवायत थी, ट्रेडिशन थी, वो ख़त्म हो गई इन मेडिवल ट्रेजेडी के अंदर. दिस गेव बर्थ टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो. इस तब्दीली ने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो भी हमारे सामने लेकर आया. ये कॉन्सेप्ट, ट्रेजेडी केम टू बी कंसिडर्ड एज द स्टोरी रादर देन एक्शन. ट्रेजेडी जो है उसको सिर्फ स्टोरी माना जाने लगा बजाय के ट्रेजिक एक्शन के. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी कैन बी ट्रेस्ड, अभी एग्जाम्पल जो पढ़ी तो नहीं हुई लेकिन फिर भी मैंने इसका नाम लिख दिया यहाँ पे, कि इस ट्रेजेडी, इस तरह की ट्रेजेडी की ये एग्जाम्पल है द मॉन्क्स टेल बाय चॉसर. मैंने उसमें पढ़ा
द मॉन्क टेल बाय जासर, उसमें तो नहीं है जो हमने वो मेरे ख्याल है जासर की जो पोएम है, क्या नाम है इसका, जो हमने बुक पढ़ी मॉन्क्स के बारे में उसने सारा बताया। हाँ उसमें भी पोइम का जिक्र आया था। हाँ उसमें भी पोइम का जिक्र आया था। अब ये आई थिंक या तो शायद ये ड्रामा है या फिर उसी पोइम का जिक्र हो रहा है। अच्छा तो हमने ये देखा कि मेडिवियल दौर के अंदर क्या हुआ, फ्यूडल्स आ गए, उसकी वजह से ट्रेजिक एक्शन नहीं दिखाया जाता था बल्कि नरेटिव दिखाया जाती थी, चीज़ें बताई जाती थी जस्ट, और ट्रेजिडी को सिर्फ माना जाता था कि ये एक स्टोरी है, ठीक है ना, स्टोरीज की हद तक वो महदूद हो गई थी। रिनाइसा में क्या हुआ, द रिनाइसा पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, देयर बिगेन अ मॉडर्न एज, रिनाइसा से मॉडर्न एज स्टार्ट होती है, विद सा द कमिंग ऑफ न्यू मर्चेंट क्लास। रिनाइसा जो है वो अपने साथ क्या लेकर आई थी, मर्चेंट क्लास जो थी वो इसमें उभर रही थी, यानी कि कॉमन पर्सन की तरफ अब हम आने लगे हैं, मर्चेंट यानी कि आप कह सकते हो कि हाँ, यानी कि आप देखो अब चेंजेस आ रही है ना, पहले किंग्स थे फिर फ्यूडल्स आए और अब मर्चेंट आ रहे हैं। द सोशल फोर्सेस वर ट्रांसफर, जो सोशल फोर्सेस थी वो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम फ्यूडल्स टू कॉमन पर्सन, ठीक है, अब सोसाइटी तब्दील हो गई, कॉमन पर्सन टुक द प्लेस ऑफ ट्रेजिक हीरो, कॉमन पर्सन ने जगह ले ली ट्रेजिक हीरो की, रादर देन किंग या रादर देन फ्यूडल्स। विद दिस चेंज, इस तब्दीली के साथ इन ड्रामेटिक फील्ड में ये जो एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई थी कि फ्यूडल्स की जगह पे और किंग्स की जगह पे आप कॉमन पर्सन एज अ हीरो रिप्रेजेंट होने लगे थे, इट वॉज द अराइवल ऑफ न्यू ट्रेडिशन, ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रेडिशन भी हम इसे कहेंगे कि न्यू ट्रेडिशन, यानी कि सोसाइटी भी तब्दील होती जा रही है और ट्रेडिशन भी तब्दील होते जा रहे हैं। द ट्रेजिक ड्रामा सीम टू बी मेटाफिजिकल। अच्छा अब रिनाइसा में एक बात ये थी कि जब ड्रामा दिखाया जाता था तो वो यूं ही लगता था कि ये मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल का मतलब है कि इसके अंदर मोरल्स हैं और गॉड के कॉन्सेप्ट हैं, बट एक्चुअली देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन एक्चुअली क्या दिखाया जाता था, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता था बिटवीन मोरलिटी एंड मॉडर्निटी इन दीज डेज, मोरलिटी और मॉडर्निटी में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता था। डॉक्टर फोस्टर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रिनाइसा प्ले, जैसे कि डॉक्टर फोस्टर है, अब दिखने में वो एक मॉरल प्ले लगता है हमें बेसिकली, लेकिन वो राइटर इसलिए करते थे ताकि लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें कि तुम इतना ज़्यादा मतलब कि गॉड के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो, तो उसमें बेसिकली हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिनाइसा पीरियड में आके कॉमन पर्सन ने जब जगह ली है तो फिर रिनाइसा से आगे जितने भी ड्रामाज आए हैं तो वो मॉडर्न की कैटेगरी में आते हैं और सेकुलर की कैटेगरी में आते हैं, और रेमंड विलियम भी यही कहता है कि रिनाइसा के बाद जितने ड्रामाज आए हैं वो सेकुलर हैं। रिनाइसा को भी शामिल करेंगे उसमें, रिनाइसा से ऑनवर्ड। इसके बाद रिनाइसा के बाद एक बहुत ही छोटा सा पीरियड आया जिसको कहा गया न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड में क्या हुआ, रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म हुई, यानी कि रिवाइवल ऑफ ग्रीक हुआ। इट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बहुत छोटा पीरियड था एज रिगार्ड टू द ट्रेजिक प्लेस के अकॉर्डिंग। इट सीम्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी मेंटेन्ड इट्स ओल्ड ट्रेडिशन। अच्छा जब न्यू क्लासिकल में ये देखा जाने लगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी जो है उसने क्या कर दिया है, मेंटेन करती है अपनी ओल्ड ट्रेडिशन, वही पुरानी ग्रीक वाली ट्रेडिशन इसने दोबारा ताज़ा कर दिया न्यू क्लासिकल में, हमें ये महसूस हुआ बिकॉज इट वाज द पीरियड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, क्योंकि ये पीरियड जो था फिर यहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स आ गए थे दोबारा से, क्योंकि हम ये देखेंगे कि अब रिनाइसा में जब कॉमन पर्सन की बात होना शुरू हुई है तो उसके बाद फिर एरिस्टोक्रेट उठ खड़े हुए ना कि हमारी बात करो, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेट्स रादर देन फ्यूडल्स जो थे वो मेडिवियल पीरियड में थे, तो न्यू क्लासिकल का जो छोटा सा पीरियड था उसमें एरिस्टोक्रेट्स दोबारा खड़े हो गए। बट द मेजर विजिबल चेंज इन न्यू क्लासिकल पीरियड, लेकिन एक विजिबल चेंज
नज़र आया न्यू क्लासिकल पीरियड में वो दैट वो ये था दैट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी के जो ट्रेजेडी को आगे बढ़ाने वाली फोर्स क्या है वो ट्रांसफर हो चुकी थी फ्रॉम द मेटाफिजिकल फॉल टू द बिहेवियर ऑफ हीरो। अब ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली थी न्यू क्लासिकल में, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि फेट मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट कौन से हैं कि गॉड की तरफ से जो कुछ हो रहा है ठीक है, यानी गॉड जिम्मेदार नहीं है, गॉड फॉल्टी नहीं है, बल्कि बात किस पे फोकस किया जाने लग गया था बिहेवियर ऑफ हीरो पे कि क्या कर रहा है हीरो, खुद क्या अमल कर रहा है ठीक है, वही बात के थ्रू द हीरो क्या हो रहा है, द एम्फेसिस ऑन एन आइसोलेटेड हीरो, उस हीरो के ऊपर एम्फेसिस होना शुरू हो गया कि उससे क्या हो रहा है, एज यानी कि गॉड के एलिमेंट को थोड़ा साइड पे कर दिया गया था एज रायमंड सेड, जैसे कि रायमंड कहता है। अब ये उसी बात को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया जो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेजेडी का मतलब ये नहीं है कि व्हाट हैपेंस विद द हीरो ठीक है, बट व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो ये देखना ज़रूरी है। इन दिस रिस्पेक्ट ऑल ट्रेजिक ड्रामाज आर मॉडर्न आफ्टर रेनेसा ठीक है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि रेनेसा के बाद सारे ड्रामाज जो हैं वो मॉडर्न हैं। उसके बाद सेकुलर ट्रेजेडी की बात आती है, जब सेकुलर ट्रेजेडी की बात करेंगे अगर आपको कुछ भी ना आता हो, अगर आपको 5-10 पॉइंट ब्रैकेट की टेक्निक के भी याद हैं तो वो आप इसमें रख के इसको डिस्कस कर सकते हो। तो सेकुलर ट्रेजेडी में क्या है जी, रायमंड सेज दैट इफ़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी इज टू बी फुली अंडरस्टूड, अब वो कहता है कि अगर तुम हिस्ट्री की डिवेलपमेंट को समझ लो ना कि हिस्ट्री की डेवलपमेंट के होने के साथ साथ वो हिस्ट्री हमें क्या कॉन्सेप्ट देती रही है ट्रेजेडी के, अभी हम यही समझ के आए हैं, अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है ना ये हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी ही पढ़ते आए हैं। तो रेमंड विलियम भी यही कह रहा है अगर ये आपको समझ आ जाए ना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी तो फिर आप समझो कि आपको सेकुलर ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ गया है ठीक है। तो वो कहता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ ट्रेजेडी इज़ टू बी फुली अंडरस्टूड, अगर आप उसको अंडरस्टूड कर लेते हो वी कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन, तो फिर सेकुलराइजेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है या उसको हम ट्रेजेडी नहीं मानते तो उसको भी आप आसानी से समझ सकते हो कि मॉडर्न ट्रेजेडी क्या होती है। ऑल ड्रामाज आफ्टर रेनेसा वर सेकुलर एंड ओनली फुली रिलीजियस ट्रेजेडी वॉज ग्रीक, सिर्फ फुली रिलीजियस ट्रेजेडी ग्रीक ही थी लेकिन उसके बाद जो था वो सेकुलर था रेनेसा के बाद, लेकिन ये एक अलग बात है जिसको रेमंड भी मानता है कि ग्रीक पीरियड के अंदर एक ईडिपस राइट से कैसा वाहिद ड्रामा था, सोफोक्लीस वाहिद राइटर था जिसको वो मॉडर्न भी मान रहा है। बट एलिजाबेथन ड्रामा अनडाउटेडली रिटेन्स द क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, अब ये एक इंफॉर्मेटिव बात है कि जब एलिजाबेथन पीरियड आया है यानी कि वो जिसमें शेक्सपियर भी था उसमें वो कहता है कि हाँ लोगों ने राइटर्स ने ड्रामाटिस्ट ने बरकरार ज़रूर रखा है उसके अंदर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस रखी है, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट रखा है। देयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल एंड पोएटिक जस्टिस, एलिजाबेथन पीरियड के अंदर हमें नज़र आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इविल हमें नज़र आता है, यानी कि बुराई और अच्छाई के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है जो कि इंसान करता है यानी कि हीरो, एंड पोएटिक जस्टिस यानी कि फिजिकल जस्टिस से मुराद ये है कि जो हीरो है ना वो खुद अपने अमाल का ज़िम्मेदार है ठीक है। आगे मैंने साथ इसीलिए विदाउट मेटाफिजिकल लिख दिया है, यानी फिर मेटाफिजिकल का उसमें मदखल नहीं है। ड्रामाज के अंदर ये दिखाया जाता था कि जो कुछ हीरो के साथ अगर ट्रेजेडी हुई है तो हीरो खुद उसका ज़िम्मेदार है, गॉड उसका ज़िम्मेदार नहीं है। फर्दर रायमंड हैज़ डिस्कस्ड ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट टू सपोर्ट हिज व्यूज अबाउट सेकुलर ट्रेजेडी, फर्दर फिर वो अपनी सेकुलर ट्रेजेडी को डिफाइन करने के लिए ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट को फेवर देता है और उसको सामने लेके आता है। उसको फिर जब हम नेक्स्ट वो अगर आएगा सेकुलर का तो उसमें हम ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट सारे उसमें आ जाएंगे। लेसिंग, अब ये लास्ट जो दो पॉइंट्स हैं ये क्रिटिक्स के बारे में जिसको उसने इसमें शामिल किया है, हीगल का मैंने आज नहीं किया क्योंकि उसमें मैं खुद थोड़ा सा भी कन्फ्यूज हूँ, वो मैं कल आपको उसके बारे में बताऊँगी। लेसिंग वॉज अ जर्मन क्रिटिक, लेसिंग जो था वो एक जर्मन क्रिटिक था एंड ड्रामेटिक पोइट था, ही इज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी, उसने भी ट्रेजेडी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। उसके तीन हिस्से कर दिए गए हैं, पहले से में वो थ्रेटिकल रिजेक्शन ऑफ न्यू क्लासिसिज्म,
लेसिंग जो था वो न्यू क्लासिसिज्म हमने पढ़ा ना पीछे, न्यू क्लासिकल बुक को ये रिजेक्ट करता है, उसको ट्रेजेडी नहीं कहता है कि न्यू क्लासिकल जो वाले थे ना वो बड़े फजूल थे, उसको रिजेक्ट कर देता है। दूसरा वो डिफेंस देता है बहुत ज़्यादा शेक्सपियर को, कि शेक्सपियर जो था ना उसको ट्रू ट्रेजेडियन मानता है। और थर्डली वो कहता है कि राइटिंग ऑफ बोर्जियस ट्रेजेडी, यानी कि बड़े लोगों के साथ ही सिर्फ ट्रेजेडी दिखाओ, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स के साथ ही ट्रेजेडी दिखाओ। ही बिलीव दैट, इसकी सिर्फ इतनी सी ही बात बस आप याद रख लो, ये जो नेक्स्ट आने वाली है, ही बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज द ट्रू इनहेरिटेंट ऑफ ग्रीक्स, ठीक है, वो मानता था कि जो शेक्सपियर है वो ट्रू इनहेरिटेंट ऑफ ग्रीक्स है, यानी कि उसकी इनहेरिट है वो ग्रीक से बहुत ज़्यादा। क्यों? बिकॉज ये उसका कॉन्सेप्ट है ना लेसिंग का, हम तो क्रिटिक्स को एनालाइज कर रहे हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट भी उसमें दे सकते हैं। बिकॉज क्यों कहता था वो के ट्रू इनहेरिटेंट ऑफ ग्रीक्स है, बिकॉज शेक्सपीरियन ड्रामाज हैज रिलीजियस एंड बोर्जियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कहता है कि उसके अंदर वो मोरल भी दे देता है, मोरल्स भी रखता है और बोर्जियस कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर रखता है। अब हमने तो सिर्फ ओथेलो पढ़ा हुआ, लेकिन ये ओवरऑल उसकी बात कर रहा है ना, इसलिए उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि उसके अंदर अब ग्रीक जो थे वहाँ पे बड़े लोग भी थे, किंग्स भी थे और रिलीजियस भी थे, तो वो कहता है कि शेक्सपियर मुझे ऐसा लगता है। बट विलियम सेज, लेकिन विलियम उसकी बात को कंडेम करते हुए कहता है दैट ही इज़ नॉट द इनहेरिटेंट ऑफ ग्रीक्स, कि शेक्सपियर इनहेरिटेंट ऑफ ग्रीक्स नहीं है, ओइंग टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिज ड्रामाज, शेक्सपियर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ज़्यादा उसके ड्रामाज के अंदर, हम उसको किसी एक पहलू में जज नहीं कर सकते, हैज़ इट्स ओन प्लेस, शेक्सपियर के ड्रामाज की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो एक अपनी जगह बनाए हुए हैं, अपनी जगह रखते हैं, एंड वी कॉल देम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इसलिए हम उन्हें एक अलग नाम देना चाहिए या हम देते हैं जो कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। फिर उसके बाद स्कोपनहार और नीचे का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसने रखा है सामने, आर टू जर्मन फिलोसफर्स हुज व्यूज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी, उन्होंने भी ट्रेजेडी के लिए काम किया बिफोर स्कोपनहार, स्कोपनहार से पहले ट्रेजेडी वॉज एसोसिएटेड विद द इथिकल क्राइसिस, ट्रेजेडी के अंदर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता था स्कोपनहार के आने से पहले। ही सेकुलराइज द आइडिया ऑफ फेट, उसने फेट का आइडिया ही अपने अंदाज से दिया, क्योंकि क्रिटिक है, हर शख्स अपने अपने अंदाज से व्यू दे रहा है, तो उसने आइडिया ऑफ फेट को सेकुलराइज कर दिया। वो कहता है द ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी, कि अगर तुमने ट्रेजेडी को समझना है तो उसकी ट्रू सेंस क्या है, इज द डीपर इनसाइड, कि उसे बहुत गहराई से उसको देखो, दैट इज कैसे देखोगे, नॉट हिज ओन इंडिविजुअल सेंस, कि तुम ये ना देखो कि हीरो ने क्या किया है, इंडिविजुअली उसने क्या किया है, दैट द हीरो अटोन्स, यानी कि अगर आप ये ना देखो कि इंडिविजुअली उसने सिंस जो किए हैं उसको ना देखो, दैट द हीरो अटोन्स, यानी कि जो हीरो कर देता है। फोर, बट ओरिजिनल सिन, बल्कि ओरिजिनल सिन ट्रेजेडी का जिम्मेदार है, दैट इज क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। इस पूरी स्टेटमेंट का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि स्कोपनहार का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे का नहीं है, नीचे का अलग आएगा, नीचे और हीगल का मैं आपको कल बता दूंगी, वो मैंने नहीं लिखा। ये स्कोपनहार इतनी सी बात करता है कि ट्रेजेडी के होने का जिम्मेदार जो है ना, तो गॉड को आप उसको लो, ठीक है, ना ही इस बात को लो कि जी जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो हीरो है, उसके अमाल की वजह से ट्रेजेडी हो गई है, बल्कि वो कहता है कि ट्रेजेडी के होने की का जिम्मेदार जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारी क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसके अंदर हम वो गॉडों के अंदर सारे पढ़ के आए हैं कुछ सब। तो वो कहता है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि स्कोपनहार ये कहना चाहता है कि लाइफ इज इटसेल्फ ट्रेजेडी, कि जब हम हैं ही, हमारी एग्जिस्टेंस ही क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस है, और यही ट्रेजेडी का सबब है, ट्रेजेडी की कॉज है, यानी कि कॉज ऑफ ट्रेजेडी क्या है, क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस। इट्स मीन कि वो क्या कहना चाहता है, इन अदर वर्ड्स, कि लाइफ इज इटसेल्फ ट्रेजेडी, कि आप उसे किसी भी एंगल से देखो, लाइफ इटसेल्फ ट्रेजेडी है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस ही क्राइम है, क्रिमिनल। थैंक यू सो मच। अब आप बता दें कि आपको कितनी कितनी